क्या टिश्यू दिया है गाइस, कितना बड़ा, ओ माय गॉड, ओ एक्चुअली दो है, दो है दो। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं तरंगा में है जैन मंदिर। तो सबसे पहले हम दर्शन करने चलते हैं अभी, फिर हम जाएंगे डूंगर पे। और मुझे लग रहा है यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है वो अभी नहीं है, तो लेट्स सी गाइस क्या कैसा क्या होता है, वो तो अभी अंदर जाते तब पता चलेगा। तो ये भोजनशाला थी जहाँ हमने खाया था, बट बंद है वैसे ही लग रहा है। तो ये रहा अजीतनाथ तरंगा तीर्थ मंदिर। ये खूबसूरत मंदिर 12वीं शताब्दी में बना था। श्वेतांबर सोलंकी राजा कुमार पाल ने ये भगवान अजीतनाथ के सम्मान में बनवाया था। ये बहुत खूबसूरत मंदिर है, वो तो आप यहाँ पे आएंगे तभी पता चलेगा। सो गाइज, अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता बिल्कुल भी। संडे है तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे कैंटीन वो सब है बट बहुत सारी भीड़ है। तो हम वहाँ पे नहीं सोच रहे वहाँ जाए और खाना खाने, तो अभी जा रहे हैं हम डूंगर चढ़ने के लिए। और हमने ली है केला की वेफर जो ली थी वो हम खाएंगे ऊपर जाके, और पानी भी है हमारे पास। देखिए गाइस, रुक कर किधर से रास्ता है वो पता नहीं है, यहाँ किसी को पूछते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। सो हमने कंफर्म कर लिया, उनको पूछा था तो उन्होंने बताया यही हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो पीछे आप पत्थर ही देख सकते हो। तो ये गाय आपको बोल रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। हाँ ये रहा रास्ता शायद, तो इस तरह से स्टेयर्स है यहाँ पे। सो हम यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठ गए, छाव है, तो अभी हम खाएंगे वेफल रसिक लाल की। तो ये रहे स्टेयर्स, अभी ऊपर जाना बाकी है बट थोड़ा पानी पी लेते और थोड़ा खा लेते हैं। अभी वीडियो में आगे दो तीन चीज़ बाकी है, एक चीज़ अच्छी होटल में अच्छा बढ़िया वाला हम खाना खाने वाले हैं, और दूसरा वापस अहमदाबाद जाने वाले हैं, और तीसरा बस यहाँ पे आपको मंदिर दिखाने वाला हूँ टॉर्च पर से। तो ये चीज़ें बाकी है। ये रही केले की वेफर, वैसे मैंने एक टेस्ट की तो ये सच में अभी हमारे काम में आ गई, अच्छा किया हमने रास्ते में रुक के ये ले ली, वरना भूखे रह जाते। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से व्यू कैसा दिख रहा है। सो यहाँ से आगे बढ़ते हुए सो यहाँ से मंदिर की टॉर्च दिख रही है, मंदिर देखिए और ऊपर है इतना, तो वहां से सब कुछ जोरदार दिखेगा। तो हम चलते हैं फटाफट से। तो यहाँ पत्थर के बीच में एक छोटा सा मंदिर है, एक मंदिर यहाँ बाहर है और दो मंदिर इस बड़े पत्थर के टॉर्च पर है। तो अभी चल रहे हैं आगे बढ़ रहे और मंदिर को दर्शन कर लिए। सामने रहा मंदिर, इस तरह से है। तो यहाँ पर्वत पे ये मूर्ति है, पीछे क्या है वो देखने हम चलते हैं अभी ऊपर।
आपको दिखाया सब कुछ कैसा लग रहा है यहाँ से। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। 4 महीने के बाद ये मेरी फर्स्ट ट्रिप है अहमदाबाद से, पहली बार ये मेरी ट्रिप है। काफ़ी मस्त हवा आई। आपको ये दूर दूर तक पर्वत दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं नीचे को, इस प्लेस को मैं बोलता हूँ बाय बाय। सो गाइस, यहाँ पे मंदिर को बोलते हैं बाय बाय। बाइक जहाँ पड़ी है, सारे बंदर बैठे हैं वहाँ पे। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम गांधीनगर की फॉर्चून होटल में। अर्चित रेस्टोरेंट है तो वहां पे है, अभी हम खाना खाने आए हैं। तो कंटिन्यूस ड्राइव किया हमने वापस आने के लिए। तो बाकी सारी बातें बाद में करते हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूँ यहां पे चीज़ें सर्व हो रही है। अभी देखिए, डाइन सेफ विद फॉर्चून होटल्स वी हैव क्रिएटेड। सो लाइक ये सारी चीज़ें उन लोगों ने यहाँ पर दे दी। और अभी हमें एक्चुअली मीटिंग रूम में बिठाया है डिनर करने के लिए, डाइनिंग बंद है। तुम बताओ धोनी, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत ही मजा आ रहा है। आप लोग भी यहाँ गांधीनगर आए तो इस होटल में जरूर आना। और इतने सारे पैसे दे के जाना इधर, क्योंकि काफी ज्यादा महंगा है वो तो बोल दे। मैं लाइक फूड पे इतने सारे पैसे नहीं खर्च करता, बट एक्सपीरियंस के लिए मैं करता हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम है, तो मेरा छोटा भाई साथ में था तो मैंने सोचा क्यों ना कोई अच्छी होटल में, अच्छी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया जाए। तो मैं लेके आ गया हूँ उसको इधर, यहाँ पे रिक्वेस्ट की हमने, तो इसलिए हमें यहाँ पे मीटिंग रूम में डाइनिंग किया है अलाउ। बाकी यहाँ पे डाइनिंग अलाउ नहीं है। मैं आपको बताऊँगा कैसा एक्सपीरियंस रहा फूड का, मैं आपको बिल भी दिखाऊँगा। तो आज का दिन मेरे लिए ही चैलेंज था एक, क्योंकि मैंने कभी इतना ड्राइव नहीं किया एक दिन के अंदर, तो बिल्कुल भी नहीं किया है। हमने सोचा था वहाँ पे कुछ खाएंगे, बट सुबह से कुछ नहीं खाया, तो अच्छी रेस्टोरेंट में खाना तो बनता है। आप लोग कमेंट में बताओ आपके सजेशंस, आपके रेकमेंडेशंस क्या है, किस तरह के वीडियोस एक्सपीरियंस मुझे लेने चाहिए और आपको मैं दिखाऊँ, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इस हिसाब से मैं वीडियोस प्लान करूँगा। और बस कुछ नहीं, खाना आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा खाना है। हमने मंगाया ये मंचूरियन ग्रेवी और सूप, टोमेटो सूप। एक्चुअली इन लोगों ने अंदर मेंशन किया था कि रियल टोमेटो से ये लोग बनाते हैं, उसके हिसाब से टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है और क्वांटिटी काफ़ी अच्छी। ये मंचूरियन टेस्ट करते महंगा वाला यार, पैसे ज़्यादा तो ना चीज़ों में कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। क्या बोलूँ मैं यार, अब तो खाना है मुझे एक्चुअली। अब तो 5-स्टार होटल में वैसे तो हम कभी नहीं जाते, क्योंकि कई हम लोकल का फूड ही हम एक्चुअली मोस्टली वही हम खाते हैं, क्योंकि लोकल को भी सपोर्ट करना अच्छी बात है। तो एक्सपीरियंस करने के लिए ऐसा खाना एक बार ज़रूर खाना चाहिए, सिर्फ वो बोलना चाहता हूँ मैं। अब रुकिए रुकिए, अभी कहीं मत जाइए, क्योंकि बिल पे मैं दिखाता हूँ आपको कितना बिल हुआ। क्या टिश्यू दिया है गाइस, कितना बड़ा, ओ माय गॉड। ओ एक्चुअली 2 है, 2 है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी पेंटिंग है। पेंटिंग चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे 2 पेंटिंग है। लुक एट दिस बटर स्कॉच शेक। तो हमें एक्चुअली थैंक्स किसे कहना है, यहाँ पे जो डोर पे सिक्योरिटी वाला था बंदा, उसे हमें थैंक्स कहना, क्योंकि उसने अरेंज करवाया हमें इस मीटिंग रूम में डिनर करने को।